अपना सीजन तो गेस्ट हाउस की देखभाल में गुजर गया। उदासी छा रही है। हाय, उदासी छा रही है। अगर यही सीजन नजरअंदाज करके गुजर जाता तुम्हें तो अच्छे रहते। बात समझ में आए ना आए बोलना जरूरी है। हमारे मुल्क के अक्सर लोगों का यही तो मसला है। तुम भी मेरे सोच समझ के बात किया करो। हंसना जरूरी है। अरे मैंने कोई लतीफा सुनाया जिसपे हंस रही हो? अच्छा अकलमंद साहब, ये जमहूरियत का दौर है, इसलिए आप भी अक्सरियत के खिलाफ बयानबाजी मत किया करें। जी मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ना। क्या पता मेरे साथ लड़ लड़ के फिर इलेक्शन भी लड़ लो। मेरी बात सुनो, वैसे लगता ये जहीन होती जा रही हो। हाँ जी, बस अल्लाह की देन है, क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े मानते हैं, आप क्या है? ओए, क्या हुआ? ये क्या हो रहा है भाई? ये सब क्या बकवास है? सर जी आपको नहीं पता जी ये मैं क्या कर रहा हूँ जी? नहीं हमें नहीं पता। हमें तो बिल्कुल नहीं पता। हमें पता होता तो हम तुमसे पूछते कि तुम क्या सर्कस कर रहे हो। ओहो, दफा करें जी फिर, मेरा हाल है कोई हमें बेवकूफ बना रहा है। तुम्हें कोई क्या बेवकूफ बनाएगा? बने बनाए को कोई क्या बेवकूफ बना सकता है? और खुलकर बात करे, बात क्या है? वो सर जी, ये सर जी आपने आवाज सुनी है जी? आए मैं आपको दिखाता हूँ क्या हो रहा है। आए मेरे साथ, मेरे साथ जी आए। शादी हो रही है? निगाह रूबरू नवाब महीनुद्दौला वाली रियासत झांसीपुर आखिरी चश्मो चिराग खानदान बांगड़वा तशरीफ लाते हैं। बस इस ऐलान के फौरन बाद दोनों दरबान दरवाजा वाह करेंगे। क्या करेंगे जी? वाह वाह करेंगे। अच्छा वाह वाह करेंगे। वाह करेंगे यानी दरवाजा खोलेंगे। उसके फौरन बाद आप तमाम हजरात झुक के कॉर्निश बजा लाएंगे। ये झुककर कोरमा क्यों पकाएंगे जी? कॉर्निश बजा लाएंगे। बोलिए क्या मतलब? फर्शी सलाम करेंगे। अच्छा हाँ ठीक। भाई ये सब क्या हो रहा है? आपकी तारीफ जी, ये शमीम साहब है जी, इस गेस्ट हाउस के मालिक हैं। अजहद मुसर्रत हुई आपसे तारुफ हासिल करके। मुझे नाचीज कहते हैं। सर जी इतनी बड़ी चीज को नाचीज कहते हैं? नाम अब्दुलाहद, नाचीज तखलुस रखता हूं। ये सब क्या हो रहा है भाई? हमने बैंड बाजे वाले कब बुलाए थे नवीद? ये क्या कह रहे हैं? नहीं बैंड बाजे वाले नहीं है सर, ये तो वो। आप रुकिए मैं अर्ज किए देता हूं। मैं वाली रियासत नज झांसीपुर के नवाब किबला मोहिनुद्दौला आखिरी चश्मो चराग के खानदान बांगड़वा का मुतमद खास हूं, जिसे आप आजकल जुबान फरहंग में सेक्रेटरी कहते हैं। ये क्या कह रहे हैं? अच्छा अच्छा ठीक है। आपके इस मेहमान खाने की शोहरत किबला नवाब साहब के कानों तक भी पहुंची है और उन्होंने चंद रोज यहाँ क्याम फरमाने का कसद फरमाया है। कल किसी वक्त आला हजरत की सवारी यहाँ पहुंचेगी, चुनाचे लाजिम था कि मैं कबल अस वक्त आपको तकलीफ देता और आदाब शाही से किसी कदर वाकफियत बहम पहुंचाता। भवनवीर मुझे तो झूठे आ रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? आपको कुछ समझ आ रहा है? बस यार मुझे एक ही खबर समझ आई है कि कल नवाब साहब आ रहे हैं। अच्छा, मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। नवाब साहब जब चाहे तशरीफ ला सकते हैं, ये उनका अपना गेस्ट हाउस है। जी तो मैं इसका रहा था कि जैसे ही ये बिगल खत्म होगा नवाब साहब रोने का फ्रोश होंगे और आप तमाम हजार झुक कर कॉर्निश बजा लाएंगे। ये क्या मतलब है? मैं कोई नहीं, ये क्या बात है भला? नहीं जी देखिए ये तो कोई बात नहीं ना, अब जमाना बहुत आगे निकल गया, पुराने वक्तों का ये रिवाज है, ये नहीं। खातून मोहतरम का तारुफ भी हो जाता तो मुनासिब था। जनाब ये खातून मोहतरम खातून खाना है। एक बार फिर अजहद मुसर्रत हुई माशाल्लाह, चश्मे बद्दूर खुदा नजरे बस से बचाए। ये वाकई निस्वानी हुस्न जमाल का एक मुंह बोलता शाहकार है। जी मैं जी जी आप यकीनन इस लायक हैं कि इस आला पाए के मेहमान खाने की खातून खाना के मर्तबे पर फाइज हूँ। बात मर्तबे की है तो ठीक है, फिर उनके मर्तबे का ख्याल करते हुए, मर्तबा बड़ी चीज है। हाँ, मर्तबे के लिए तो जरूरी है ना कि कॉर्निश बजा लाए। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, बिल्कुल ठीक कहा। आप इन सबको क्या, हम सबको ट्रेनिंग दें? बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं, जबान फरंग से उन्हें उलझन महसूस होती है। आप सब हजरात कोशिश कीजिएगा कि उनकी मौजूदगी में मोस्ट वेलकम या गेस्ट हाउस या ट्रेनिंग वगैरह के अल्फाज की बजाय खुश आमदेद, मेहमान खाना और तरबियत वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल करें तो
मुनासिब होगा। जी बेहतर, ये फरमाइए कि कितने कमरे चाहिए होंगे क़िबला को? कमरे कमरे पूरा मेहमान खाना जनाब, जब तक क़याम फरमाएंगे आप उन्हीं के लिए वक्फ रहेगा, खा वो एक कमरा इस्तेमाल करें या 10 कमरे। इस दौरान अगर कोई मेहमान ठहरेगा भी तो वो नवाब साहब की पसंद और मर्जी से ठहरेगा, और इन सब के हर तरह के अखराजात नवाब साहब ही के जिम्मे होंगे। हाँ तो ये ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए ना, इस तरह तो फिर हमारे हेडेक बिल्कुल ही खत्म, ओ आई एम सॉरी, दर्द शकीका खत्म है ना। तो आइए आप लोग कतार में सही तरह से खड़े हो जाइए ताकि मैं कॉर्निश की बजावरी के बाद आपको दीगर इंतजाम भी साथ साथ बताता चलूं। अमराद इधर आओ। अखे उन्हें को मैं चाहूँ। आप इसको वहाँ। मखे छोड़ने छोड़ने ना चाहूँगी। बड़े काम था भाई। बोल नहीं साहब, वैसे ये पान खाना भी बड़ा ही काम है, थक गया हूं, कहा खा गया। सच पूछो तो मैं गेस्ट हाउस में इसी इंतजार में नौकरी किए जा रहा था, किए ही जा रहा था। क्या मतलब? मतलब ये बाबू नवीर साहब के बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े इसे बड़ी बड़ी टिप्पे नजर आ रही होंगी। अब बेवकूफ, ये जो नवाब लोग होते हैं इनका कुछ पता नहीं होता किस वक्त मेहरबान हो जाए, वो एक अधिकार या रंगीन टीवी या वीसीआर ऐसी टिप में पकड़ा के चले जाए। देखो मैं पहले ही बता रहा हूं, फिर ना कहना अकेले अकेले ही खा गया। तो जी बाजवी साहब, अपना तो काम था जी पहले भी ना जी ईमानदारी से सफाई सुथराई करना, अब भी मैं उससे बढ़ चढ़ के करूंगा बगैर किसी लालच के, और तूने जो तोप चलानी है तोपची तू चला ले। बहरहाल वीआईपी लोगों को जरा ज्यादा लिफ्ट करवानी पड़ती है ना। मुराद गलत नहीं कह रहा यार, ऐसे लोग अगर खुश हो जाए ना तो बहुत बड़ा इनाम भी दे सकते हैं। बहुत साहब फिर आपको ना पेशगी मुबारक है इस्लामाबाद में कोठी की। थैंक यू यार। बोले बानवी साहब, बानवी साहब वापस आ जाए, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। बकवास न करे। खूब, बहुत खूब। क़िबला नाचीज, अगर कोई कमी रह गई हो तो फरमा दीजिए, वो भी आला हजरत नवाब साहब के आने से पहले रफा कर दी जाएगी। रफा? खैर आहिस्ता आहिस्ता आप सीख जाएंगे, कमी पूरी की जाती है और रफा तकलीफ की जाती है। खैर काफी हद तक मुनासिब है लेकिन शाही मायार के अन मुताबिक नहीं है।
लेकिन फिर भी मैं आपकी कोशिशों को सराए बगैर नहीं रह सकता। हमने तो जी अपनी तरफ से कोई भी दकीका वो मतलब है फरोगुजार नहीं रखा। बहुत खूब। ऐसे अल्फाज मजीद याद कर लीजिए, कबला नवाब साहब की तबाह पर इसका अच्छा असर पड़ेगा। जी जी बेहतर, बिल्कुल ठीक है। ये फरमाइए कि नवाब साहब कब तशरीफ लाएंगे? भाई यूं नहीं कहते, यूं फरमाते हैं कि कब उतरेगी शाही सवारी। हाँ जी वही हमारा वही मतलब था। बस अब किसी लम्हे इस मेहमान खाने की रौनक दुबाला हो जाएगी। कॉर्निश बजाने के बाद अगर किबला नवाब साहब के मिजाज में आया तो आप सिर्फ मैं जी सिर्फ आप उनसे मुसाफा कीजिएगा, और आप रानी बेगम से अगर उनकी तरफ से हौसला अफजाई हो तो उनसे मुआनका कीजिएगा, वगरना जैसे हालात हों वैसे ही कीजिएगा। क्या मतलब? इनका मतलब यह है कि अगर रानी बेगम लिफ्ट कराए ना तो उनसे गले मिल लेना, वरना खामोश रहना। बिगल की आवाज सुन रहे बिगल, शाही सवारी आ गई। नवाब साहब का मर्तबा इस बात की इजाजत नहीं देता कि ने हर किसी ना कुछ छुए। बंदी आप पर बारी, आप पर कुर्बान हो, ये कैसी बदशगुनी हुई, कदम रंजा फरमाते ही आपके दुश्मन को चोट की जहमत उठाना पड़ी। काश आपकी जगह हम जमीन बोस हो गए होते। नहीं नहीं, कैसी बात नहीं कर रही हो रानी बेगम। आपको पता है कि आप रानी सिर्फ रियासत की ही नहीं बल्कि हमारे दिल की मलिका भी हैं। ये जरूर किसी हासिद की नजर है मोतमिद। हुजूर का इकबाल बुलंद हो, आने से पहले मैंने कायम मुकाम मोतमिद को सदका और खराज बांटने का हुक्मनामा जारी कर दिया था। शाबाश, तुम काफी समझदार हो लेकिन उससे चूक हो जाती है। बहरहाल फिलहाल हमारी कयामगाह की तरफ हमारी रहनुमाई की जाए। इस समत तशरीफ आवरी हो कबला। तारीफ बहुत सुनी थी हमने सराय की, लेकिन चलो गुजारा है, क्यों मन कह दिया। हुजूर का इकबाल बुलंद हो, अब आप जैसी हस्तियां सरोए जमीन पर खाल खाल ही पाई जाती हैं। मैं समझता हूं कि मेहमान खाने के मालिक और मालिका ने एक दिन की मोहलत में अपने बिसास से कुछ ज्यादा ही कर दिखाया है, वगरना तो ये फरंगियों की तर्ज की मामूली सी खाबगाह थी। आलीजा, जो कमी रह गई हो उसको हम रफा दफा मेरा मतलब पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। इनका मतलब है कि आपके स्टे के दौरान कयाम हो तुम्हें आपके कयाम के दौरान हम इसको आपके मयार के मुताबिक बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। वल्ला मयार, खैर हमारे मयार का तो खैर तसव्वुर ही आप लोगों के लिए मुहाल है। बहरहाल
हम आप लोगों के जज्बाए मेहमान नवाजी से मुतासिर जरूर हुए हैं। क्यों मलके आलिया, मोतमिद आलिजा, चलते वक्त आप इस्लामाबाद के किसी बैंक की चेकबुक साथ लाए हैं? बंदा अपने फराइज से बखूबी वाकिफ है हुजूर, जरूरत की हर शय आपको यहाँ मिल जाएगी। शाबाश, 1,00,000 रुपए का चेक काट कर इन साहब को अता हो। 1,00,000 कम है? अरे ये तो हमने ऐसे ही इस्तकबालिया पर रखवाने के लिए दिए हैं, रोजमर्रा के अखराजात के लिए। बकाया हिसाबात बवक्त रवानगी अदा किए जाएंगे। अलीजा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अलीजा, ये सब कुछ आप ही का तो है। हम खुद 1,00,000 रुपया काउंटर पर, मेरा मतलब है इस्तकबालिये पर रखवा देंगे, और जैसे जैसे हिसाब होता जाएगा उसको दर्ज करते जाएंगे। आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ का मौका नहीं देंगे अलीजा। जी जी, इनका मतलब यह है कि हमें आप पर कोई बेविसाही तो नहीं। अलीजा, मेजबान खातून की अर्ज करने का मकसद ये है कि आप इन्हें चेक इनायत फरमा कर इन्हें अपने एतमाद के काबिल नहीं समझ रहे। ये अदब की हद में रहते हुए आपसे नाला है और एहतजाज फरमा रही है। जी, आपके यहाँ कयाम करने पर हम तो खुशी से फूले नहीं समा रहे बाखुदा। वल्लाह, हम एक दफा फिर मुतासिर हुए। हम आपकी इस कदरदानी से खुश होकर नवाब साहब की इजाजत से ये हार आपको इनाम में देते हैं। अच्छा, इजाजत है। मुबारक हो, मुबारक हो। ये शाही जेवर आजकल किसी के नसीब में कहाँ है। जी रानी साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुतमिद आलीजा, अब हम तखलिया चाहेंगे। दरअसल लंबा सफर करके आए हैं, कुछ थकन सी है। मुतमिद आलीजा, तखलिया। हुजूर, खाना खा लिया? बस चख लिया। और पान रख लिया? तखलिया। फिर से हमारा नाम अमीनुद्दौला है और पीछे हमारी सौदा रुकैया बेगम है। ये हमारी हमशीरा ज़ेबुन्निसा, भाई पीछे हमारी हमशीरा ज़ेबुन्निसा, और ये उनके शोहर नामदार जनाब उमर दीन साहब है, और पीछे हमारे बच्चे लाडले मियां, फूल मियां, चंबेली और चंपा। बजानी, आप तो घर के नाम बता रहे हैं, ठहरिए हम बताए देते हैं। हमारा नाम इरफान अमीन है और ये अदनान उमर है और ये नायला अमीन है। हाँ तो मैं क्या करूँ फिर। ओहो बाउनवीर, एक तो आपको भी हर बात देर से ही समझ आती है। वो अपने नाम तफसील से बता रहे, आप कह रहे फिर नहीं। देखें आप इनके नाम और पते नोट कर ले, मुझे लगता है ये अपने घर से भागे हुए, यानी गवाचे हुए। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये अखबार का जिक्र कहां से बीच में आ गया? हम यहाँ कयाम के लिए आए हैं नादान। कयाम वो तो जी पहले से हो चुका है, बार आपने वो नहीं पढ़ा, बोधपुर है। अरे मियां, ये तार आप ही ने हमें रवाना किया था ना। हाँ लेकिन ये तार तो नवाब साहब ने अपने रिश्तेदारों को भेजा था। नादान, तो गोया हम नवाब मोइनुद्दौला के रिश्तेदार नहीं हो सकते। मैं मुआफी चाहता हूँ जी, मैं मुआफी चाहता हूँ। माफी देता हूँ नादान। आपने आते ही बता दिया होता। रंबो मुराद, इनको नवाब साहब के दाएं और बाएं तरफ वाले कमरों में ठहराने, उनके खास मेहमान है ये। मैं एक बार फिर माफी चाहता हूँ। अरे मियाँ, माफ किया माफ किया, एक आध बार माफ करना तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। जनाब माइल मोहतरम रंबो, हाँ जी मैं आदाब, मैं आपको आए आपको दिखाता हूँ वो ख्वाब आपका।
ख्वाब गा दिखाता हूँ। गा ख्वाब दिखाता हूँ। शाही सवारियां, ये रिश्तेदार है नवाब साहब के? अल्लाह ही जाने कैसा शाही खानदान है भैया। अलीजा इजाजत है? घुंगर बाबाजे छन नन छन, घुंगर बाबाजे छन नन छन, बाजे घुंगर बाछन सरकार, एक आवाज पेश कर रहा हूँ। अता हो बस बस करो बस करो रानी बेगम, यकीन कीजिए इसके बच्चे की अदाकारी से हम बहुत मुतासिर हुए। इसे देखकर हमें अपना बचपन याद आ गया, जब हम छोटे थे हाँ, जब हम छोटे थे तो हम नहाने से बहुत कतराया करते थे, तो हमारी अम्मा हुजूर हमें बहला पूछ। आप कुछ भूल रहे हैं नवाब साहब, अम्मा हुजूर नहीं, शाही खिदमतगार आपको बहला फुसला कर नहलाने पर माइल किया करते थे। अच्छा, वो अम्मा हुजूर नहीं थी? हाँ कुछ, बहरहाल इसे भी 1000 नकद सिक्का राइजुल वक्त से नवाजा जाए। हुजूर नवाब साहिब, हशरातुल अर्ज किया है। पेश करो कीड़े। बकरी चढ़ी पहाड़ पे हमारी इजाजत के बगैर। बकरी चढ़ी पहाड़ पे, इतना चढ़ाओगे? आगे अर्ज किया है कि बकरी चढ़ी पहाड़ पे, आगे और दूसरी तरफ उतर गई। वाह 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 वाह, ठीक है। अर्ज किया है दोबारा, वो आए हमारे घर में। वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है। वाह 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 वाह। फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। मोहतमिद अलीजा, कहीं ये तो हमारे लिए नहीं है? नहीं अलीजा, ये भी आपके लिए नहीं है। फिर तुम्हारा सुभान अल्लाह। वाह वाह, मोहतमिद हमारी जानिब से इस शायर नादार को 2000 सिक्का राइजुल वक्त अता हो। इस दौर जदीद की तरक्की याफ्ता साइंस ने हमारे घोड़ों, हाथियों और हमारी रिवायती सिपाह के साथ बड़ा जुल्म किया है, लेकिन नवाब साहब क़िबला आज भी ऐसे ऐसे ज़हीन और हुनरमंद लोग मौजूद हैं जो पलक झपकते में आपके सामने पुराने अदवार के मनाज़िर किला खड़े कर सकते हैं। नवाब साहब इजाजत है? इजाजत है, इजाजत है शेर साहब, मुझे भी इजाजत है जी। इजाजत है
सिपा साला, और तुम्हें जुर्रत कैसे हुई हमारी सल्तनत पर चढ़ दौड़ने की? तुम्हें नवाब साहब की हैवत का अंदाजा नहीं है? माय नेम इज रंबो रंबो, जान रंबो, तलवार रंबो। ओए, तुम्हारे लिए तो तलवार निकालना तलवार की शर्मिंदगी है, तुम्हारे लिए तो कीड़े मार दुआओं की एक फूक ही बड़ी है। मेरा ख्याल है तुम्हें बुजुर्गों ने मैदान में इसलिए मेरे सामने भेजा है कि तुम्हें देखकर तुम पर दुआ की जाए। और दया होता है? हाँ हाँ, वो ही की जाए। और किस नहीं, ऐ शेर दिल सिपाही, ये नाबकार तुझे खौफ ज़दा करने के लिए लाफो गजाफ से काम ले रहा है। चश्मे ज़दन में लपक कर इस गुस्ताख का सर तन से जुदा कर दिया जाए। ओए, बुनादे तूने मुझे सच मुझ मारा? नहीं, मैं तो ईमान में देख रहा हूं, मुझे मार कर दे भाई, मार दे। तूने मुझे जख्मी करके मुझे वैसी रंबो बना दिया। सारा सारा का सारा खेल चौपट कर दिया इस रैंबो के बच्चे ने। हम नवाब साहब को खुश करने का जतन कर रहे हैं, और वो जो सर जी, उसने तो हादी कर दी जी, दुश्मनों का सिपा सलार बन गया जी वो। तो हिम्मत करो ना नवीद, नवीद जरा संभालना, देखना मैं यहाँ संभाल लेना, तो मैं इन्हें लेकर ऊपर जा रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि हम इन्हें नवाब साहब को फेस कैसे करेंगे। आप चलें सर, मैं संभाल लेता हूँ, आप प्लीज चलें। ओए, सारा कसूर तुम्हारा है। चलो, ये कौन सी बात है जी, मेरा किधर से कसूर है? ओए, तूने सचमुच ही उसे जख्मी कर दिया था। बानी साहब, ना ये मुझे जख्मी करता, ना मेरे जिस्म का सारा खून मेरे दिमाग में जाता, और ना मैं नवाब साहब को आगे आगे भगाता। अगर तू इधर ही ठहर। नवाब साहब को बानी साहब, ये मेरे हाथ में ये लग जाएगी, देखे आप आगे ना। नाची साहब, हम नवाब साहब का किस तरह शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने इतने बड़े हादसे को भुलाकर हमें माफ कर दिया है। आप शायद जानते नहीं हैं, दरियादली शाही खून की सिफत हुआ करती है। हमें तो ये सोच सोच कर शर्म महसूस हो रही है कि किबला नवाब साहब का
सामना किस तरह करेंगे वल्ला। अरे नहीं नहीं खातून मोहतरम, नहीं नहीं, मैं तो इसीलिए हाजिर हुआ था कि आप इस वाक्य का जिक्र तो क्या इशारतन तस्करा भी ना कीजिएगा। किबला नवाब साहब और रानी बेगम इतने बड़े वाक्य को भूल सकती हैं, तो क्या मैं और आप नहीं भूल सकते? वाह जी वाह, वाह वाकई अजीम लोग अजीम ही होते हैं। कल अलग सुबह 3 शानदार गाड़ियां मंगवा लीजिएगा। किबला नवाब साहब अपने मेहमान निगरानी को सेहत अफजा मकाम पर सैर कराना चाहते हैं, और कुछ रकम का बंदोबस्त भी कर दीजिएगा, गालिबन पिछली रकम खत्म हुआ जाती है। वो मैंने 1,00,000 रुपए रखवाए थे। शाही अखराजात के सामने 1,00,000 हकीसी रकम हुआ करती है, इतने ही और रखवा दीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, रकम और रखवा दी जाएगी। जी 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 जी, रखवा दी जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल इंतजाम हो जाएगा। आप नवाब साहब से कहेगा, उनको उनको कोई परेशानी नहीं होगी। जी शुक्रिया। नाचीज को इजाजत दीजिए, सियाहत के दीगर इंतजाम भी मुकम्मल करने हैं मुझे। चलता हूं। काश के मैं भी नवाब ही पैदा होता। ये तो अपने अपने मुकद्दर की बात है शहजादा शमीम। ये लीजिए शहजादा शमीम की शमीमा। सत्रह 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ये ले। क्यों भाई, नवाब महीज अब्दुल्ला यही कयाम पजीर हैं? हाँ जी, लेकिन इस वक्त वो बाहर गए हुए हैं जी, सैर सेहत के लिए। फरमाए, क्या उनका कोई खादम भी यहाँ नहीं मौजूद? वैसे तो हम सभी उनके खादम हैं, आप हुक्म कीजिए जी। हम शेर दिल हैं। वैसे दिल तो मेरा भी शेरों जैसे ही है जी। फरमाए, काम क्या है आपको? ओहो, हमारा नाम शेर दिल है। वैसे नवाब साहब के दोस्तों में से हैं हम। हमने शेर से कम किसी का शिकार किया ही नहीं। वैसे नवाब साहब ने हमें टेलीफोन करके अपने साथ रहने की दावत दी। अभी आपके कयाम का बंदोबस्त हो जाता है, नवाब साहब तो गालिबन शाम तक तशरीफ लाएंगे। ठीक है, आप हमारा कमरा बता दीजिए, तब तक हम जरा असला शसला चेक कर लेते हैं। वैसे शिकार का प्रोग्राम तो उनके आने के बाद ही तरतीब दिया जाएगा। जी एक मिनट जी। टिन टिन टिन, इतने दिनों से तो उन्होंने चैन नहीं लेने दिया, एक टांग पे खड़े रखा नवाब साहब ने, अब क्या 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 हुक्म है, क्या हुक्म है? वो ये नवाब साहब के दोस्त हैं या उनके मेहमान हैं? वालेकुम सर, इन्हें 5 नंबर कमरे में ले जाइए। जी जी जी। वालेकुम अदाब, वालेकुम अदाब। आप ऐसा कीजिए, वो टैक्सी का किराया शराया दे दीजिए और हमारा सामान कमरे में पहुंचा दीजिए। चलिए। नवाब साहब ये क्या हर किसी का हर किस्म का खर्चा उठाए फिर रहे हैं? देखे भावज यार, सीधी तरह बात करो। हाँ देखें बाबाज, हम महीन भाई को समझाने से कासिर हैं, लिहाजा उनकी अदम मौजूदगी में आपसे बात करने के लिए आए। देखें, हमने यहां आकर अपने आप को हालात के मुताबिक ढाल लिया, इसलिए ना तो हमारे कोई ऊंचे ऊंचे ख्वाब हैं और ना ही हम उमरा की तरह रहते। बच्चे भी माशाल्लाह तालीम से फारिग हो चुके और छोटी मोटी मुलाजमत पर लग चुके, और हमने इनके रिश्ते भी तय कर दिए हुए, इसलिए आप हमारी तरफ से तो माजरत कबूल फरमाइए। भाई साहब के तौर अतवार ऐसे नहीं कि उनका मुस्तकबिल महफूज हो। देखे बाजी, अमीन भाई ने कोई कसर नहीं छोड़ी, सारी बात खोल कर बयान कर दी। मेरा तो मशवरा यह है बाजी कि आप खुद भी संभलें और महीन भाई को भी संभालें। ए बहन, हमने तो यहाँ आकर जो हालात देखे, यकीन जानो एक एक पल गुजारना मुश्किल हो गया। हर वक्त एक धड़का सा लगा रहता है, यहाँ तक कि खाना खाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। हर आठ पर दम निकल रहा है, पता नहीं तुम लोग किन आसाब के मालिक हो। ऐसे आफरीन है तुम पर भी रानी आपा, औरत जात होकर भी घर गृहस्थी की बातों को समझ नहीं पाई।
मैं छोटा हूँ, बीच में बोलना तो नहीं चाहिए पर रहा भी नहीं जा रहा। रानी फूफो यकीन जाने दिल चाह रहा है कि तमाम दुनिया को चीख चीख कर बता दूं कि आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं। हम सब ने सामान पैक कर लिया है और हमें हमें निकल जाना चाहिए। हम लोग तो कुछ और सोच कर यहाँ आए थे, शायद अम्मी अबू लोग आपसे साफ कह ना पाए। हमारी तरफ से आप लोगों की आलीशान मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं क्या करूं और मैं कर भी क्या सकती हूँ। वो कहता है मैंने क्लेम दाखिल किया हुआ है जो किसी भी वक्त मंजूर हो सकता है और इसके बाद पूरी एक रियासत हमारे नाम लग जाएगी। ला हौल वला कुव्वत, क्लेमों के महकमे को तो बंद हुए भी साला साल गुजर चुके, लेकिन बफर्ज़े बाहर किसी तौर किसी का क्लेम हो भी तो उसको वही मिलेगा ना जो वहां था। लेकिन ये रियासत कहां से आ गई? उससे भी तो बड़ा नाज है ना अपनी होशियारी पर। कहता है लेके दिखाऊंगा एक ना एक दिन ये सब कुछ। बाजी इसलिए हम लोग बाज आए आपकी रिश्तेदारी से। हम लोग तो ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आपको हदायत दे। आमीन। अच्छा बाबाज तो हम चलते हैं। आइए लीजिए किबला। मुतमिद अलीजा कैसी चाल चली हमने बताइए। अलीजा मैं क्या तबसरा कर सकता हूँ, आपकी हर चाल कयामत की चाल होती है। बहुत खूब, बहुत समझता है हमको ये। किबला नवाब साहब आप इंतहाई गलत चाल चल चुके हैं। अब मात होने से बचना मुश्किल है आपका। ना 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 ऐसे नहीं, करके दिखाइए किबला। हमने आज तक जिंदगी में कोई ऐसी चाल नहीं चली जिसका तोड़ ना हो हमारे पास। क्यों मुतवे इजी फील करें, मेरा मतलब है मैं माफी का ख्वास ख्वार हूँ। दिल के बुरे नहीं है यहाँ के खुद्दाम, लेकिन सलीका नहीं है इनके पास। बखुदा दिल पर एक बोझ सा हो जाता है इनके आ जाने से। जी अच्छा जी, मैं तो चाय देने आया था। सलाम अलैकुम। बहुत खूब, यानी कि बुरा भी मनाते हैं। अरे किबला नवाब साहब आप इधर मुतवज्जो हो, और ये जो प्यादा चला है ना मैंने, आपके लिए वो वाले जान बन जाएगा। ना इसको भी बुला के तेरा बमाही कहा रह गया। ओए नवाब साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। नवाब साहब ठीक है बस तुम अपना काम करो अपना। नहीं वो नासा मैं यहाँ देखने आया था, किसी चीज की कोई लोड कोई कमी तो नहीं है? नहीं आप जाइए यहाँ सब ठीक ठाक है। इससे कहो यहाँ से जाए। जाइए, हमारे दिल में हॉल सा उठ रहा है। जाइए आप जाइए। नवाब साहब मुझे देख के आपको हॉल उठता है? मैं इंसान नहीं हूँ जी, मैं सुबह से वार्निश नहीं कॉर्निश बजा के दाब आर्ज कर के मेरा लग दो रहा हो गया, और आप कहते हैं कि मुझे देख के आपको और आता है जी। कॉर्निश कर आप जाइए कॉर्निश होते जाइए। जाता हूँ जी, बताने की लोड़ नहीं है जी। ताज तो देखो इसका जरा, जैसे कुर्चे लगाने वाली गद्दी होती है। शुक्र है आज तलवार नहीं थी इसके पास, जमाने की तलवार थी। नवाब साहब आप मेहमान खाने के मालिक से इसकी शिकायत करें। गर्मी खासे रंग में भंग डाल दिया। रंग किबला आप खेलें, बहुत गर्मी रंग में भंग तो अब टलेगा। बड़ा नवाब बनने रानी बेगम आप हमारी बात से अगर तूने मुझे खाब दिखाने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा तू? रानी बेगम बात यह है कि ये मेहमान खा रहा है, घर नहीं है, घर मान लीजिएगा। अरे कलमुए जब से तू इसके साथ लगा है ना, इसने
पर पुर्जे निकाल लिए, समझे तुम? मैं तो चीख कर सबको बताऊंगी, सुना तुमने? शमशुद्दीन यहाँ तो खेल ही कुछ और हो गया, तुम तो बराबर भारी आते। रानी बेगम, अब यकीनन किसी खबीज के बहकावे में आ गई हैं आप। देखिए क्यों हमारी इज्जत का जनाजा निकालने पे तुली हुई है आप। इज्जत इज्जत इज्जत, कैसी इज्जत? तुम इज्जत की बात करते हो, जिसे तुम इज्जत कहते हो लोग उसे फ्रॉड के नाम से याद करते हैं। मेरे हाथ जुड़े, खुदा के लिए खामोशी इख्तियार कीजिए, मैं आपसे बात करता हूँ, आप अपने कमरे में चले। कर लिया। ये क्या? इस्तीफे। इस्तीफे? हाँ जी, हमारे साफ सुथरे। चलो, हर दूसरे चौथे दिन इनको ऐसी एक मुसीबत बनी रहती है। अब क्या हुआ? अब क्या होना जी, नवाब साहब पता नहीं कब जाएंगे, पता नहीं जाएंगे भी कि नहीं, अलबत्ता हम जरूर जा रहे हैं जी। आखिर हुआ क्या है? होना क्या जी, हमारी बॉल गाती उन्हें पसंद नहीं है। ओ जी, हम कमरे में जाते हैं, उनकी तबीयत पर बोझ पड़ जाता है। हमें देख के उन्हें होल आते हैं। लो जी, वो कमाल है, हम इतने गए गुजरे। तो भाई, वो नवाब है, उनकी मर्जी है, किसी को पसंद करें ना करें, इसमें बुरा मनाने की कौन सी बात है। नवाब होंगे तो अपने घर होंगे जी, इज्जत सब की बराबर होती है, हमें पहले पता था आप उनकी साइड लेंगे, इसीलिए हम कड़कड़ा आके पहले ही इस्तीफे लेके आए। अरे तुम दोनों मेरे बुद्धू हो। अरे भाई, वो यहाँ मेहमान है, आज नहीं तो कल चले जाएंगे है? ये गेस्ट हाउस तो तुम्हारा अपना है, जरा बर्दाश्त करो और ठीक हो जाएगा सब। है गेस्ट हाउस हमारा अपना है? हाँ हाँ। ओ सर, मैं गुस्से में भूल गया था जी, वो गेस्ट हाउस तो हमारा अपना है ना। चलो जी, बर्दाश्त कर लेते हैं, गेस्ट हाउस तो हमारा अपना है। ये 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 हाँ जी, ये जी नवाब साहब, नवाब साहब वो आपके दरबान 5,000 रुपए मांग रहे हैं जी, अदा कर दिए जाए। अच्छी बात है जी, मैं लिख लूंगा जी। ये नहीं जी, 5,000 रुपए आपके, ये 5,000 रुपए आपके जी। शुक्र है मेरे मौड़ा, जान छूटी। चल पा हूं ना, चल और पीछे मुड़के ना देखना, पत्थर हो जाएगा। क्या मतलब है, आप लोग जा रहे? आहो जी, आहो जी, जिंदगी में इतनी पाबंदी वाली ड्यूटी कभी नहीं मिली जी। हाँ जी, बाल बच्चे परेशान होंगे, कह रहे होंगे अब्बा किधर गया। आप लोगों का ताल्लुक शाही महल से है ना? ओ केड़ा शाही महल, हम तो वो क्या मतलब, हम तो बैंड बाजे वाले हैं। हाँ जी, हम तो किराए पे आए हैं उनके साथ, ना जाने किधर है उनका शाही महल। आज तो नवाब साहब को बेगम साहबा ने फेंटी भी लगाई है जी। हाँ जी, उठो बस। ओए चल ओए, अब बहुत होगी दरबानी, ये टोपियां भी मोहतमन साहब को दे देना यार। सलाम अलैकुम। भावनी साहब, भावनी साहब, हमारी होने वाली भाभी याद आ रही है ना? और यार अरे मजाक ना किया करो, पता है वो जो दरबान थे ना यहाँ पे, वो तू 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 तू, वो तो किराए के बैंड बाजे वाले थे। चलो शुक्र सही है। भावनी साहब, ये क्या कह रहे हैं? देखो तड़िया कैसे लगा रहा था बिचू, औकात देखो है, वो बैंड बाजे वाले किराए के दरबान नहीं थे। सोचो यार, ये कोई चक्कर तो नहीं है? नहीं भावनी साहब, चक्कर कैसे हो सकता है, वैसे वो नवाब तो है ना, लगता भी है, और फिर देखे वो पैसे कितने खर्च कर रहा है। अब पैसे तो शमीम साहब ने रखवाए हुए हैं, उसने तो जाते वक्त ही साफ साफ करना था। भावनी, मुझे पकड़ो, मैं गिरने वाला भावनी। भावनी साहब, मुझे भी लगता है मेरे जिस्म का सारा खून कोई निचोड़ रहा है, ये तो वाकई कुछ चक्कर हो गया। शमीम साहब बेचारे तो मारे। शमीम साहब, भावनी साहब, ये फिर गेस्ट हाउस तो हम सब का है ना? अच्छा साइड पे हो जाओ जरा। जी शमीम साहब,
जी मैं नवीद बोल रहा हूँ सर काउंटर से, आप जरा जल्दी से यहाँ काउंटर पे आ जाए सर। हाँ जी, और सर ताकीद ये है कि आप अकेले आइए जी, बेगम साहब को साथ नहीं लेके आना आपने। जी सर। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब, कैसे मिजाज हैं? हाँ जी ठीक ठाक, आप फरमाइए जी। बड़ी सारी डेकोरेशन चेंज कर दी आपने तो, गुड, अच्छा लग रहा है। थैंक यू थैंक यू, फरमाइए काम। बस फरमाना क्या है, एक कमरा था फरमा दीजिए। कमरे तो सारे बुक हैं जी। नवीद साहब ये ज्यादती है, मैं आपका रेगुलर कस्टमर हूँ, जब भी इस्लामाबाद आना होता है मैं यही ठहरता हूँ। देखिए आपकी बात ठीक है, लेकिन पूरा गेस्ट हाउस बुक है जी। भाई ये किसी पार्टी ने बुक किया हुआ है या वैसे हाउसफुल है? बस यही समझ लें कि पार्टी ने बुक किया हुआ है जी। खुदा जनाब, पार्टी जो है ना, नवाब मोइनुद्दौला बमाए अहल वियाल तशरीफ लाए हुए हैं और उनके मेहमान वगैरह भी ठहरे हुए हैं। सर मेहमान तो सारे जा चुके हैं जी, अब सिर्फ बेगम साहिबा, वो उनके मोतमेद खास और वो नवाब साहब अकेले रह गए बस। अरे वो मेहमानों का आना जाना तो लगा ही रहता है जब तक नवाब साहब यहाँ हैं। बहरहाल कोई एक आध कमरा तो खाली होगा ही, मैं खुद नवाब साहब से बात कर लेता हूँ। ये अलग बात है, नवाब साहब चाहे तो आपको कमरा बिल्कुल दे सकते हैं। वो नवाब साहब तशरीफ ले आइए। नवाब साहब मोतमिद खुसूसी आलिया, क्या बात है, आज मेहमान खाने के बकाया खुद्दाम कॉर्निश नहीं बजा रहे? वक्त कम है आलिया, वापसी पर ध्यान देंगे। अच्छा अच्छा, सराय के मालिक, दरअसल हमारी रानी मलका आलिया की तबीयत कुछ नासाज है, हमने नींद की गोलियां देकर उन्हें गहरी नींद सुला दिया है, हमारी वापसी तक उनका खास ख्याल रखा जाए। जो हुक्म हो आलिया। शुक्रिया। अरे बलवा तू कौन है बे? अरे रशीद मियां आप? वो मोतमिद आलिया। कौन है ये नाहंजार? अब मुकरने का कोई फायदा नहीं बलवा, तूने अच्छी तरह पहचान लिया है कि हम रशीद मियां ही हैं, नवाब रामपुर के भांजे जिनका तू धोबी हुआ करता था, यहां आके अब नवाब बना बैठा है, क्या ठाट है तेरे भाई, धंधा क्या करता है तू? गुस्ताख मोतमिद आलिया, बातें करने का वक्त नहीं है बलवा, भाग ले बलवा। क्या कह रहा है? जाता जा रहा बलवा, बुलाता हूं तेरा मैं हलवा। अरे शमीर साहब को पकड़ो, उसे पकड़ो यार, छोड़ो, आ जाओ रेमो, रेमो, रेमो शमीर साहब को पकड़ो।